नमस्कार, अतुली संसार आपकी खबरों का संसार। पालिकी महाराजा उम्मीद मिल वेतन प्रकरण मामले में गिरफ्तार श्रमिक नेता रामनाथ सिंह की न्यायिक अभिरक्षा में तबियत बिगड़ने के बाद पालिकी बांगड़ अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के बाद उनके पुत्र द्वारा उनकी मौत का कारण पुलिस विभाग को दोषी ठहराते हुए मृतक के पुत्र समेत अन्य लोगों ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सारे प्रकरण की जाँच व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। मामला क्या है आज, मांग पत्र क्या है? 18 मई को कस्टोडियल डेथ रामनाथ सिंह की हुई। रामनाथ सिंह के पुत्र ने अब तक बहुत प्रयास किए परंतु आज तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। प्रार्थी का अधिकार है कि वो 154 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने और प्रकरण का अनुसंधान किए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निवेदन कर सकता है। इस मामले में तीनों थानों के तीनों पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व हैं, जिस कारण पुलिस अधीक्षक के पास में रिपोर्ट पेश की गई है, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने की प्रार्थना है प्रार्थी की ओर से। मैंने आज 5/6/2020 को आज SP साहब को अपने मेरे पिताजी की जो मृत्यु हुई ना न्यायिक जांच में न्यायिक कस्टडी में जो मृत्यु हुई है उसके मैंने FIR आज SP साहब को दी है। आप क्या चाहते हैं? मैं सर न्याय चाहता हूँ और अब तक मेरे पिताजी की मृत्यु के 15-20 दिन हो गए हैं, अब तक ना तो मुझे कुछ सूचना दी गई है, क्या कार्रवाई चल रही है क्या नहीं चल रही है मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने आज मतलब फर्स्ट FIR दी है मैंने SP साहब को, इसमें मैं कुछ 7 लोगों को नामजद मतलब रिपोर्ट दर्ज कराई है। अभी आप SP साहब से मिला, आप क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने बोला है कि अभी ड्यूरियस मजिस्ट्रेट जाँच चल रही है, इसलिए मैं आपकी वो मुकदमा दर्ज करेंगे। अतुल्य संसार आपकी खबरों का संसार। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।